हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी के बारे में। देखिए, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया था, उसकी हमने बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी, ठीक है। आज हमें पढ़ना है कि कॉस्मोलॉजी क्या होता है, राइट। तो कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। जो हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, गैलेक्सी, स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स, ये सब कुछ जो है, हर एक चीज़ यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। अब एक्चुअल में ढंग से एक थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि यूनिवर्स है क्या। सो यूनिवर्स इज डिफाइंड एज द टोटैलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर, एनर्जी, द प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एक्सेट्रा। ये बता रहे हैं कि यूनिवर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द टोटैलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। पूरी दुनिया में जो जो चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं वो यूनिवर्स का ही पार्ट है। इसमें सारा का सारा फिजिकल मैटर आ जाएगा। फिजिकल मैटर क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, सारी की सारी एनर्जीज जो पोजेस करती हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स हैं। मतलब जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, हर एक चीज़ यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। अब यूनिवर्स किससे मिलकर बना है, थोड़ा सा ये देखेंगे। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन हाथ में उठाएं और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, बिकॉज नोट्स अगर आप बनाएंगे ना, तो वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल प्रूव होंगे। हमें ऐसा लगता है कि अरे, एक महीने में मेरा पेपर है, दो महीने बाद मेरा पेपर है, कहाँ टाइम है नोट्स का। बट ये जो एक दो महीने में पेपर है और अभी आप पढ़ ही रहे हो फर्स्ट टाइम, तो चांसेस तो बिल्कुल नील के बराबर हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्योंकि अगर आपका पेपर एक या दो महीने के बाद है, तो उस टाइम तक तो आपको सारी की सारी बुक्स घोट के याद हो जानी चाहिए। उसके बाद चांसेस रहते हैं कि हाँ, एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर दो महीने बाद पेपर है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। एग्ज़ाम तो वैसे भी क्लियर नहीं होना है। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना, फर्स्ट टाइम आप यूनिवर्स पढ़ रहे हैं, आप चार चीज़ें पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप अपने नोट्स जब उठाएंगे, देखेंगे, आपको लगेगा ये सब तो मुझे आता है, कुछ एडिशनल देखता हूँ गूगल पे, है ना। तो हम एडिशनल नॉलेज इकट्ठी करते हैं। इस तरह से जब तीन चार बार हम एक बार एडिटिंग करते हैं ना हर एक टॉपिक में, तो उसके बाद चांसेस बनते हैं कि हमारी, देखिए, नॉलेज एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है। तो उस टाइम पे होता है कि हाँ, अब एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। फाइन, तो हम बात कर रहे थे यूनिवर्स किस चीज़ से मिलकर बना है। यूनिवर्स बना है बिलियंस ऑफ गैलेक्सी से मिलकर, बहुत सारी गैलेक्सी से मिलकर यूनिवर्स बना है। अब थोड़ा सा देख ही लेते हैं ढंग से गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो देखिए, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की और आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे जो ये नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिन्होंने प्लस वन प्लस टू में नॉन मेडिकल या मेडिकल लिया होता है, वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से डिटैच होके होते हैं, जो ये जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट है। अब जब वो वापस इसमें आते हैं, तो उन्हें छोटी से छोटी चीज़ समझानी होती है, उसके बाद वो बहुत अच्छे से कैरी अप कर लेते हैं। फाइन, हम बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स जो है वो बहुत सारी गैलेक्सी से मिलकर बना है। गैलेक्सीज क्या है? वो बहुत सारे स्टार्स से मिलकर बनी है। और स्टार्स क्या हैं? दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की जो फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, उसकी वजह से वो एक साथ है। मतलब नंबर ऑफ स्टार्स से मिलकर क्या बना है? गैलेक्सीज। और नंबर ऑफ गैलेक्सी से मिलकर क्या बना है? यूनिवर्स। फाइन, अब हम थोड़ा सा गैलेक्सी के बारे में जान लेते हैं कि जो हम हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, हमारे सबसे नज़दीक कौन सी गैलेक्सी है, या फिर जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है, है ना। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो जरा सब इन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। फाइन, सबसे पहले बताया है आर नियरेस्ट गैलेक्सी। वो गैलेक्सी जो हमारे सबसे नज़दीक है, उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आर ओन गैलेक्सी। हमारी अपनी गैलेक्सी कौन सी, जिसमें हम रहते हैं या स्टे करते हैं, जो भी है, तो वो है मिल्की वे गैलेक्सी। इसे आकाश गंगा भी कहते हैं। अब हमारा लाइट का एग्ज़ाम हुआ था तीन चार साल पहले, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि जो हमारी गैलेक्सी है वो कितने बिलियन स्टार्स से मिलकर बनी है। ऑप्शन में था 100, 200, 300, 400, तो उसका आंसर था 100 बिलियन स्टार्स। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये जो आकाश गंगा है, ये 100 बिलियन स्टार्स से मिलकर बनी है, ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी है, दैट इज़ स्पाइरल इन शेप। हर एक गैलेक्सी की अलग अलग शेप होती है, इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, बट थोड़ा एंड में। फिलहाल हम मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी गैलेक्सी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो स्पाइरल है शेप में। एंड वन ऑफ दीज इज़ आर सन। अब आप समझ रहे हैं, जो हमारा सूरज है वो भी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है,
विच मीन्स इसका क्या मतलब है, सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे, कि सोलर सिस्टम जो है ये भी मिल्की वे का पार्ट है। देखिए सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, प्लैनेट्स में से एक है अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, पूरे पूरे प्लैनेट्स हैं, हर एक का एक मून है वो जिसके आसपास घूमता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट वो सब है। तो ये पूरा का पूरा स्टार्स एस्ट्रॉइड्स ये सब हम पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये सारा का सारा मिलकर बन गया सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसका एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, ठीक है। अब देखिए आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अब अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, बस उस लिंक पे क्लिक करना है, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप में पहुँच जाएंगे कॉन्टैक्ट नंबर पे, राइट। और वहाँ पे जाके आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं, प्राइजेज वगैरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। एंड बिलीव मी प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं एंड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, तो आप वहाँ पे जाके परचेज भी कर सकते हैं, इनकेस आपको इशू है आप नोट्स नहीं बना सकते तो, ठीक है। फाइन, हम बात करते हैं कि ह्यूमंस कहाँ पर रहते हैं, हम लोग अर्थ पर रहते हैं। अर्थ किसका पार्ट है, अर्थ एक प्लैनेट है जो सूरज के चारों ओर घूमता है, मतलब अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे का पार्ट है। मिल्की वे किसका पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया हो। जो फर्स्ट टाइमर है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी जिन्होंने एक एक बार पढ़ रखा है तो उनको तो काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया होगा। अब हमने यहाँ पे थोड़े से विचार जाने, जैसे पटोलमी हो गए, कॉपरनिकस हो गया, केपलर हो गया, किसने क्या कहा है कि अर्थ क्या चीज़ है, ठीक है, अर्थ के या सन के रिस्पेक्ट में क्या क्या कहा है। तो पटोलमी ने 140 एडी में कहा था, ध्यान से सुनिएगा, सही इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, जो इन्होंने कहा था वो है ये, फिर एक्चुअल में धीरे धीरे करके सही हुआ तो वो हम पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। सो पटोलमी ने कहा था, अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड द सन एंड द हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। इसका मतलब है कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, और जो सन हो गया आपकी, बाकी हेवनली बॉडीज हो गई, वो इसके आसपास घूमती रहती है। किसने कहा था, पटोलमी ने कहा था, राइट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए हमने पटोलमी के विचार जाने, अब हम जानेंगे कॉपरनिकस ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था दैट सन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। पहले वाले ने कहा कि अर्थ है सेंटर यूनिवर्स का, इन्होंने कहा कि सन है सेंटर यूनिवर्स का। फिर केपलर आए, इन्होंने सही हमें डेटा दिया दैट सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम सौर मंडल का सेंटर है एंड नॉट द यूनिवर्स, यूनिवर्स का नहीं है, ठीक है। तो ये तीन यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता ही है इजी जो क्वेश्चंस आते थे वो टाइम अब बदल गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्वेश्चंस ज़रा घुमा फिर आके चलते हैं। आ सकता है कि किसकी स्टेटमेंट है दैट सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, तो ऑप्शन में आपको क्या टिक करना है, कॉपरनिकस, है ना। तो चलिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अभी तक देखिए काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स की वीडियोज़ मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, नेशनल मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो अगर आप चाहें, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करें और वहाँ पे आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर आप उन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने में, नोट्स मेकिंग में, अपनी स्टडी करने में। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में मैंने समझाया है, जो वो कहानियाँ होती है ना लंबी लंबी, वैसी कोई कहानियाँ नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल जो फैक्चुअल डेटा है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की स्टडी करना चाहते हैं, जस्ट अपनी तैयारी अभी के भी स्टार्ट करें सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके, राइट। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है एडविन बबल। एडविन बबल का क्या योगदान रहा है। सो ही फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड एग्जिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज बियॉन्ड मिल्की वे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सिर्फ मिल्की वे एक ही गैलेक्सी नहीं है, इसके अलावा और भी गैलेक्सीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये किसने कहा, एडविन बबल ने कहा। नेक्स्ट आती है गैलेक्सीज के फॉर्म्स। अभी मैंने आपको कहा था कि जो हमारी मिल्की वे है दैट इज़ स्पाइरल इन शेप, फिर मैंने आपको कहा कि जो गैलेक्सीज हैं इनकी भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, शेप्स होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो ये है वो चीज़, यहाँ पे तीन मेजर शेप्स रहती हैं, तीन तो क्या, वैसे दो ही मेजर होती हैं, स्पाइरल एंड एलिप्टिकल। स्पाइरल क्या हुई, स्पाइरल ये देखिए, ये स्पाइरल है, स्पाइरल नोटबुक है ना, ये ऊपर से चलती है ऐसे गोल गोल गोल, ऐसे ये होती है स्पाइरल शेप। एलिप्टिकल क्या होती है, टेढ़ी सी, अंडे के फॉर्म में। इरेगुलर है थर्ड, इरेगुलर मतलब कोई शेप ही नहीं है, हर कहीं कुछ अलावा काम, ठीक है। अब तो ये तो हमने गैलेक्सी की फॉर्म्स पढ़ ली, अब आता है एडविन बबल ने कुछ और भी योगदान दिया है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ डेटा हमें प्रोवाइड करवाया है, तो वो अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए एडविन बबल ने क्या कहा है, पहली चीज़ उन्होंने यह कही कि सिर्फ मिल्की वे ही एक गैलेक्सी नहीं है, इसके अलावा और भी गैलेक्सीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, राइट। फिर उन्होंने कहा ही प्रूव्ड दैट दीज गैलेक्सीज आर लाइंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड द फादर दे आर द फास्टर दे फ्लाई। इस लाइन को समझने की ज़रूरत है कि ये जो गैलेक्सीज हैं ना यूनिवर्स में, ये बहुत ज़्यादा दूर दूर है,
ठीक है, और जितने दूर ये हैं उतने ही फास्ट फ्लाई कर रही हैं, मतलब हमारा यूनिवर्स जो है वो फैल रहा है। अब देखिए गैलेक्सीज दूर दूर है, वो और दूर फैल रही हैं, और दूर और दूर, और वो दूर दूर ट्रैवल कर रही हैं, जितने दूर जा रही हैं उतनी स्पीड उनकी बढ़ रही है, और वो उससे भी ज़्यादा और दूर जा रही हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट आर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग लाइक अ बलून दैट इज बींग ब्लोन अप। इसका मतलब ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है ना वो फैल रहा है बलून की तरह, ठीक है, ब्लोन अप हो रहा है, राइट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो देखिए आज हमने बड़ी बेसिक सी चीज़ें की, आपको ना सोलर सिस्टम तक पहुँचने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पढ़ने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग जगह से मतलब डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स बना लें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। प्लस अगली जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स कैसे बना, तो इसके लिए तीन थ्योरीज हैं, बस उन तीन थ्योरीज को हमने पढ़ना है, राइट। सो दैट्स इट गाइज, अब आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सारी वीडियोज देखिए, नोट्स बनाएं, ताकि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल प्रूव हो सकें, राइट। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।